नमस्कार, न्यूज एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में शुक्रवार को सहमति बन गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। शाह ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार में भाजपा और जदयू समान सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी साथियों को भी सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। सीटों की संख्या का ऐलान 2-3 दिन बाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान योजना की जानकारी देने के लिए 10 करोड़ लोगों को पत्र लिखेंगे। नरेंद्र मोदी ने यह कदम इसीलिए उठाया है क्योंकि योजना से लाभ पाने वालों को इसके बारे में खास जानकारी नहीं है। सीबीआई ने दक्षिण दिल्ली में मंदिर और आश्रम चलाने वाले दाती महाराज के खिलाफ शिष्या से दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज कर लिया है। दाती पर आरोप है कि उसने शिष्या से दिल्ली और राजस्थान स्थित आश्रम में दुष्कर्म किया था। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की थी। सीबीआई में रिश्वतखोरी विवाद के बाद जांच एजेंसी के प्रमुख आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने वर्मा से जुड़े मामले की जांच 2 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक की अगुवाई में यह जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई के अंतरिम चीफ नागेश्वर राव नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। राफेल सौदे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसके साझेदारों के नाम तभी सामने लाए जाएंगे जब विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राफेल की आपूर्ति में फ्रांस की कंपनी दैसो और 2 या 3 अन्य कंपनियां भी हिस्सेदारी कर रही हैं। इन सबको अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं। सीतारमण ने यह बात गुरुवार को इकोनॉमिक इंडिया सम्मेलन 2018 को संबोधित करते हुए कही है। भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश श्रीलंका की राजनीति में पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदल चुका है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर पूर्व राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता महिंदा राजपक्षे को सत्ता सौंप दी है। श्रीलंका में आए राजनीतिक भूचाल ने न सिर्फ नई दिल्ली की मुश्किलें बढ़ा दी हैं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। पाकिस्तान 2022 में पहली बार अपने नागरिक को अंतरिक्ष भेजने की तैयारी कर रहा है। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने घोषणा की कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपने नागरिक को अंतरिक्ष भेजेगा। उन्होंने ये घोषणा प्रधानमंत्री इमरान खान की पहली चीन यात्रा से पहले की है। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत से पैसा लेकर भागने वाले लोगों को वापस भारत लाया जाएगा। सिंह ने लखनऊ में रेलवे प्रादेशिक प्राइमरी सहकारी बैंक के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पैसा लेकर विदेश भागने वालों को वापस भारत आना होगा। गूगल ने यौन उत्पीड़न के आरोप में अपने 48 कर्मियों को निकाल दिया है। इनमें 13 सीनियर मैनेजर शामिल हैं। कंपनी के इस फैसले के बीच एक खबर में दावा किया गया है कि गूगल ने एंड्रॉयड के कोफाउंडर एंडी रुबिन को कंपनी छोड़ने के लिए 660 करोड़ रुपए का एग्जिट पैकेज दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं और उन्होंने मतदाताओं का विश्वास खो दिया। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश में सांप्रदायिक भीड़ और गौरक्षकों की हिंसा की घटनाओं पर खामोश रहने के लिए भी प्रहार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार। जेनाविन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज एल मोनार्क के फैंस पेडिस्टल फैंस एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज जेनाविन सेल्स नियर भारत टॉकीज फर्स्ट फ्लोर हमीदिया रोड भोपाल